अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो बखैर आखिरत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिस्सों में मान रखें। आज हम लोगों का जो है वो नाइन्थ क्लास का इस्लामिक का जो है वो 26वां 26 जो है वो लेक्चर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो था वो ज़कात के फर्जियत और इसकी अहमियत जो है वो पढ़ी थी। आज हम लोग क्या है इसके मुसारिफ पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है एक्सरसाइज का कि पुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मुसारिफ बयान कीजिए। तो आप लोगों का पेज नंबर इस्लामिक की बुक का 65 जो है वो ओपन कर लें। तो कुरान करीम ने ज़कात के 8 मसारिफ जो हैं वो बयान किए हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा सदाकातुम लिल्फुकराई वल्मसाकीनी वल्आमिनीन अलैहा वल्मुअल्लफाति कुलूबुहुम वफिर रिकाबी वल्गारिमीन वफिस सबीलिल्लाहि वइब्ने सबीली फरीज़ातुम मिनल्लाहि अलीमन हकीम। तर्जुमा इसका क्या है कि ज़कात तो गरीबों, मस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिसके दिलों को इस्लाम की तरफ से जोड़ना है और गर्दन छुड़ाने में, यानी कि क्या है, ग़ुलामों को आज़ाद करना, जो तावान बने कर्ज़दार और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। तो इस आयत की रोशनी में जो है वो ज़कात के 8 मसारिफ जो है वो बयान किए गए हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। तो इस कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में जो है ज़कात के कितने मसारिफ बयान किए गए हैं, 8 मसारिफ हैं। कौन कौन से के फुकरा, सबसे पहले फुकरा, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है मसाकीन, नंबर 3 है आमिलीन यानी कि ज़कात के महकमे के मुलाज़मीन, फिर नंबर 4 है तालीफ़ कल्ब, और उसके बाद तालीफ़ कल्ब यानी कि इस जो आप लोग क्या कह लें, तालीफ़ कल्ब क्या है कि जो नए नए मुसलमान होते हैं इनके दिलों को क्या है इस्लाम की तरफ जोड़ना है। फिर उसके बाद है नंबर 5 है रकाब, फिर उसके बाद नंबर 6 है गारमीन यानी कि जो कर्ज़दार हैं, नंबर 7 है फी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह की राह में, और नंबर 8 है इब्ने सबील यानी कि जो मुसाफिर हैं। ठीक है, ये 8 मसारिफ जो हैं वो है हमारे पास। ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाहर के लोगों को बाद में दी जाए। इस तरह जो लोग खुद बढ़कर सवाल नहीं करते, गुरबत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, इन्हें तलाश करके ज़कात और सदक़ात दिए जाएँ। तो पहले क्या है कि सबसे पहले जो आप लोगों के करीबी रिश्तेदार हैं जिन्हें ज़कात की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उनका ख्याल रखा जाए, बाहर के लोगों को जो है वो बाद में दी जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 मसारिफ हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान ने क्या वही सुनाई है। तो ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान ने क्या वही सुनाई है, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। और आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ज़कात की जो अहमियत है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उन लोगों को कुरान ने क्या वही सुनाई कि उन्हें जहन्नम की जो है वही अज़ाब की वही सुनाई है। तो आप लोगों का जो पेज नंबर 65 है, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है कि ज़कात अदा करने वाले खिलाफ कुरान सख्त वही सुनाई है, जिसका अंदाज़ा कहूँगा कि इन आयात से लगाया जा सकता है। तो सूरह तौबा की जो 34 और 35 आयत है, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है कि ज़कात अदा जो लोग सोना चांदी से सेव कर रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। इस क़यामत के दिन उस सोने चांदी को जन्म की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ उनके चेहरे, इनके पहलू और उनकी पश्ती दागी जाएंगे, और कहा जाएगा कि यह है वो खजाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहे हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर ये है। पिछले आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो अहमियत पड़ी थी, उसमें भी आप लोगों ने ये तैयार किया हुआ था, इसके तो आप लोगों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो इसके 8 मसारिफ हैं, ये आप लोगों ने भी अच्छी तरह तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।